दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के बड़ी लापरवाही की वजह से एक 8 साल के मासूम की मौत हो गई। गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए बनाए गए नए घाट में सफाई तक नहीं की गई, जिसमें उसमें काई जम गई और मासूम का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वह तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। मंगोलपुरी बापू पार्क में स्थित छठ घाट पर मूर्ति विसर्जन के लिए बनाए गए तालाब में डूबने से एक 8 साल के मासूम बच्चे की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण हुए हादसे ने एक परिवार से उसका हंसता खेलता बच्चा छीन लिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिना साफ सफाई के ही छठ घाट में गणेश विसर्जन के लिए उसे अस्थायी रूप से घाट बनाकर तैयार कर दिया गया, जिसमें काई में फिसलन की वजह से उसमें नहाते समय बच्चा फिसल गया। मौके पर किसी तरह की कोई लाइफ जैकेट आदि का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मेरी बात सुन लो। हाँ जी, ये हम तो गेट पर थे, मेन गेट पर। नहीं, आपकी वजह से नहीं हुई, पर मैं ये नहीं कह रहा आपने करवाई करी। नहीं, नहीं, नहीं। आप ना डर क्यों रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ ऐसा है कि हम मेन गार्ड हैं, यहाँ गेट पे थे और ये सिविल वाले थे, डिफेंस वाले थे, जिम्मेदारी इनकी जिम्मेदारी थी। हाँ, नहीं, जिम्मेदारी मैं आपकी नहीं कह रहा कि कोई बात नहीं, पर हाँ, यहाँ किसी बच्चे की डेथ हुई है कल। हाँ, ऐसा है कि हमें तो पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, आपकी बाहर ड्यूटी थी, अंदर सिविल डिफेंस वालों की ड्यूटी थी। यहाँ इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा, हम तो यहाँ गेट पे थे। कल पता लगा ये बापू पार्क के अंदर जो मूर्ति विसर्जन के लिए ये जो कराया गया था, तालाब सा बनाया गया था, तो वहाँ पे एक बच्चा 8 साल का डूब गया। अब ये तो सरासर जो है ना दिल्ली सरकार का ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बेबर लापरवाही है बिकॉज, क्योंकि वॉलेंटियर वगैरह उधर वहाँ कुछ नहीं थे, वहाँ वॉलेंटियर थे तो बच्चा डूबा क्यों? ये तो लापरवाही है दिल्ली सरकार की बकायदा। इसे देखना चाहिए था, बकायदा वॉलेंटियर लगाने चाहिए थे, दिल्ली पुलिस वगैरह इधर उधर सारे चारों तरफ से लगानी चाहिए थी। ये तो बच्चा डूब गया, जिसका बच्चा मर गया उसको पूछो ना जाके, डूब गया जिस बच्चा।